ईएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ईद के समय का है। ईद को शांति का त्योहार कहा जाता है, लेकिन उस दिन नमाज के बाद दो गुट आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़ गए। जिस ईद की नमाज को अदा करने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर माफ कर देते हैं, उस नमाज के बाद एक दूसरे से गले लगने के इतर लोग लाठी डंडे, यहाँ तक कि बंदूक लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले आप झगड़े और घमासान का ये वीडियो देखिए। दरअसल मामला संभल के थाना सहिरनपुर गांव का है। यहां दो गुटों के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है। ऐसे में ईद के मौके पर ईद की नमाज अदा होने की कुछ देर बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए। पहले लात घूंसे चले, फिर लाठी डंडों से हमला किया गया और अंत आते आते गोलियां भी चल गई। ऐसे में एक गुट से चार लोगों को गोली भी लग गई, जिसमे एक बच्ची समेत तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये चार लोग घायल हैं। अच्छा सुनो, थाना कौन सा? असमोली। कितने लोगों ने हमला किया है? हमले में थे 10-12 लोग थे, सबके हाथों में तमंचे, बंदूकें और डंडे। पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस तो बहुत देर बाद में आई है, जब गोली लग चुकी है सबके, तब पहुंची पुलिस। अब क्या हालत है इनकी? अभी हालत तीन की बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक के सर में बहुत ज़्यादा चोट है, उसके मुँह से खून आ रहा है, बच्चे के आँख में गोली लगी हुई। रेफर किया जा रहा है? इनको रेफर किया जा रहा है मुरादाबाद। किस बात को लेकर गोली मारी उन्होंने? कुछ जमीन का विवाद चल रहा था थोड़ा सा, उसके भी आप पे गोली चला दी उन लोगों ने, और कुछ पुरानी रंजिश के कारण। एक गुट पुलिस पर देरी का आरोप लगा रहा है, वहीं पुलिस का कहना है कि अब मामला कंट्रोल में है। थाना असमोली के अंतर्गत ग्राम सहिरनपुर से आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि दो पक्षों के बीच में आपस में पुराने विवाद को लेकर संघर्ष हो गया है, जिसमें दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने व अवैध शस्त्रों से फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। यह प्राप्त हुआ है कि दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। एक पक्ष से गुलाम मुर्तजा फिरोज घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष से मुजीब घायल हुए हैं। तीनों जो घायल हैं उनको उपचार हेतु रवाना किया गया है। मौके पर जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था इस समय पूरी तरह से कायम है। पुलिस मौके पर उपस्थित है। संभल से अनूप श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।